सियासत के दंगल में घमासान कुछ ऐसा कि बस अब तो पब्लिक भी तमाशा देखने में मशगूल है। इस दंगल में हर कोई अपनी जोर आजमाइश दिखा रहा है, कोई इधर भाग रहा है तो कोई उधर। जिन नेताओं को अपने अपने इलाकों में होना चाहिए वो होटलों में कैद है। दरअसल कुर्सी के खातिर शुरू हुआ ये दंगल वाकई अब असल दंगल बन चुका है। यहाँ कुछ किरदारों की परेशानी है कि काम कोई करे और उसका फायदा दूसरा उठाए, आखिर ऐसे कैसे चलेगा। अब जनाब ये सियासत है तो इस बात को तो ये भी बखूबी जानते हैं कि सियासत में तो सब कुछ जायज है, जानते सभी हैं। आखिर वजूद और कुर्सी बचाने के लिए राजनीति में क्या क्या हो सकता है, ये तस्वीरें इसकी गवाह है। लेकिन हाँ, अभी पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं है, हाथ तो फिलहाल इन नेताओं के मजबूत हैं जो अपने वर्चस्व की जंग में जुटे हैं। हैरानी की बात देखिए, डर्टी पॉलिटिक्स में अब सब कुछ जुड़ गया। एक तरफ पुलिस को डाल दिया गया तो दूसरी तरफ अदालत का रोल भी डाल दिया गया। चारों तरफ बस हंगामा दर हंगामा। जाहिर है कि जब दो पार्ट आपस में टकराते हैं तो आवाज भी होती है, एक दूसरे पर इल्जाम भी लगाए जाते हैं, और ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी हो रहा है। अब सूबे के मुखिया ने तो इल्जामों का ऐसा पिटारा खोला कि बस इल्जाम दर इल्जाम। अब तो राजस्थान की पब्लिक भी सोच रही है कि क्या पिछले 1.5 साल से हमारे हुक्मरान ऐसे थे, और अगर ऐसा था तो क्या हुक्मरानों पर अब भरोसा किया जाना चाहिए। लेकिन ये जनता भी क्या करे, 5 साल में इसका एक त्योहार आता है तो ये भी काफी खुश हो जाती है, दौड़ दौड़ कर उस हवन में अपनी आहुति देती है। मकसद केवल इतना ही होता है कि चलो इस बार तो उनकी सुनवाई होगी। लेकिन जब तस्वीरें हुक्मरानों के दंगल के सामने आती है तो साहब हैरान और परेशान होना भी लाजमी है। अब पब्लिक सवाल भी उठाना चाहे तो किससे करे, क्योंकि यहाँ जवाब देने वाला कोई नहीं। यहाँ तो हमारे हुक्मरान खुद अपनी परेशानियों में उलझे हैं। आखिर साहब उन्हें भी अपनी कुर्सी की दरकार है, बामुश्किल मिलने वाली कुर्सी आखिर छोड़ भी दी जाए तो कैसे। लेकिन इतना जरूर है कि सियासत करने वालों को भी ये जरूर जान लेना चाहिए कि जो देता है वो वापस भी ले लेता है। जनाब ये मालिकाना हक नहीं बल्कि किराए की तिजारत है। कब कुछ नया हो जाए इस सियासी तिजारत में, कब कैसा मोड़ आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और अब तो राजस्थान की तस्वीर भी कुछ ऐसा ही बयां करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।